टू बी माय नेम नेम इसका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर आर बी आई ग्रेट बी ट्वेंटी सिर्फ मे का मंथ रह गया दिस मंथ इज जस्ट अबाउट टू एंड नाउ हार्डली अ फ्यू डेज लेफ्ट उसके बाद आपके पास सिर्फ मे का रह जाएगा मंथ और आपका एग्जामिनेशन मे के एंड में होने वाला है अब द पॉइंट इज अगर मेरे को ये पेपर देना है तो दे आई रियली नीड टू थिंक अबाउट

यानी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट अबाउट कवरिंग द एंटायर सिलेबस आई टू डू एवरीथिंग दैट इज देयर नो यू विल हैव टू जॉट डाउन ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड ओनली दोस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरियाज शुड बी कवर्ड टाइम एंड अगेन सो दैट बाय द टाइम यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन बैंग ऑन यू आर रेडी फॉर दैट राइट सो आज हम इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं आई एम गोइंग टू लेट यू नो दैट नाउ इट्स द टाइम दैट यू चूज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आर बी आई ग्रेट बी ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी अब समय आ चुका है कि आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को सोच कर रखें उनको ध्यान से देखें एंड यू स्टार्ट डूइंग दो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो बाद में कर लेंगे चलो अभी तो सब कुछ ही पढ़ लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज रिमेंबर गाइज पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप कितना अच्छे से उसके अंदर स्कोर कर पा रहे हो स्कोर बनाना इज बेसिकली अब आपको बैकवर्ड चलना है इफ़ आई हैव टू हैव दिस मच ऑफ स्कोर तो उस स्कोर के लिए पहुंचने के लिए क्या करना होगा मुझे पीछे चलना होगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं हर एक सेक्शन में से और हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं पहले ये पता लगाना होगा फिर हर एक सेक्शन में जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन से हैं फिर वो पता लगाओ और फिर उन इम्पोर्टेंट में से भी अब आपको क्या करना है कौन सी प्रैक्टिस पहले करनी है और कौन सी बाद में करनी है कौन सा उसमें से आपका फोटे बन सकता है और कौन सा फोटे नहीं बन सकता यू विल हैव टू जॉट डाउन एवरीथिंग मतलब वो जॉटिंग डाउन सॉर्टिंग डाउन एंड एट द सेम टाइम देन पुटिंग द कलैरिटी टू वेट एंड एट द सेम टाइम प्रायोरिटाइजिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट ये सारी की सारी चीज़ें इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो नाउ आई एम एक्चुअली आस्किंग यू अर क्वेश्चन दैट आई यू एबल टू गेट डाउन टू ऑल दोज इंपॉर्टेंट एरियाज कि जिनको आपको कवर करना है कि आप उन्हें कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो दूसरी बात अगर आप उसे कवर कर रहे हो तो क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग अपने लिए इंपॉर्टेंट एरियाज को देखा है और ये देखा कि आपका कितना कैलेबर है उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन राइट वे इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कवर करने वाला है वो यही है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज द टाइम टू चूज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आर बी आई ग्रेड बी सो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज द करेक्ट टाइम अब इसमें कवर क्या क्या करना है वाई एम आई हेर एंड वॉट इज द बेसिक सिनारी ओफर दिस आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर योर फेज़ वन बिकॉज फेज़ वन के अंदर इफ यू हैव सीन द नोटिफिकेशन में दे आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग कि टॉपिक के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप एनालिसिस कर पाते हैं और एट द सेम टाइम प्रीवियस ईयर पेपर में भी ऐसा होता है कि कभी कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो उस टाइम पेपर में बहुत ज्यादा है लेकिन नेक्स्ट पेपर्स में नहीं है। सो so, यानी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है सो जस्ट बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम पीरियड और आप में से कितने ने अभी तक प्रीवियस पेपर एनालिसिस और काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान से शायद देखा हो शायद ना देखा हो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी आर ब्रिंकिंग अपर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मैं आज आपको वो सारे इंपॉर्टेंटेंटें टॉपिक्स बताऊंगी विच शुड भी कवर्ड क्योंकि उनकी मार्क्स की वेटेज इन द एग्जामिनेशन इज क्वाइट मोर देन अर्स सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोपिक्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेस दैट शुड नॉट बी स्किप्ट बिकॉज अल्टीमेटली दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स कैरी अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड कैन बिकम

पेपर के लिए सेक्शनल कट ऑफ भी होती है तो आपको उसको भी ध्यान देके चलना है कि आपको सेक्शन वाइज भी इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना मैन वी टॉक अब सेक्शनल एंड द इंटायर एरिया व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड दट करेक्ट चलो आज उसके बारे में बात कर लेते हैं अब आगे चलते हैं इस पेपर का पैटर्न एक बार ओवरव्यू बनता ही है ताकि समझ में आ जाए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है 80 मार्क्स की 60 मार्क्स की रीजनिंग और बचे हुए कितने हो गए आपके पास बचे रिमेनिंग 60 और रिमेनिंग 60 में 30 30 का आपका क्वांट और आपकी रीजनिंग आ जाती है पूरा आपको दो घंटे मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए या अगर मैं इस पेपर का हीरो uh, या विनर बोलूँ तो उस केस में सबसे ऊपर कौन जीतेगा जनरल अवेयरनेस जीतेगा जनरल अवेरनेस ऑफ एटी मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बट एट द सेम टाइम थिंक अबाउट रीजनिंग इट कैरीज सिक्सटी मार्क्स इज डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट मार्क्स विच इट कैरीज The next point that comes is English and quant. In terms of quant, or when we talk about in terms of English, इसके लिए भी आपको proper preparation करनी बहुत जरूरी है because English में भी बहुत से ऐसे topics हैं जो paper में पूछे जाते हैं और पिछली बार का paper जो था वो ऐसा नहीं था कि वो सीधा easy to moderate था. There were questions which were moderate to difficult as well. Overall ही आपका phase one पिछली बार tougher रहा है. जिसके चलते है उसकी cut off है उसमें भी आपको बाकी पिछले year से आपको उसमें एक variation देखने को मिलती है. So when we talk about the previous year, it was definitely something which when I RBI RBI ने बोल दिया दे कि देखो हम तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही डालेंगे सो नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू आरबीआई रियालिटी टूडे लुकिंग फॉरवर्ड टू आरबीआई क्लैरिटी टूडे तो हमें प्रिपरेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है सो वंस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न एरिया अब हमें ये भी समझना है कि अब इसके बाद हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या चीज़ें हैं जिसका हमें फेज़ वन में ध्यान देने की ज़रूरत है सो नो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जैक्ट एरिया यानी जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आपको कई चीज़ों का ध्यान रख के चलना है बिकॉज प्रीवियस पेपर डिफ़िकल्ट रहा तो हमें इन चीज़ों के ऊपर जितना ज़्यादा क्लियरली फोकस करोगे बिकॉज़ यू शुडेंटली ट्राई टू कवर द इंटायर सिलेबस यू शुड फोकस ऑन द एरियाज़ जहाँ से आप एक्चुअली नंबर कमा सकते हो तभी तो आपका पेपर के अंदर आपकी मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे आ पाते हैं चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल्स नंबर वन इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यानी आपका जो फेज वन है वो कम्पलीटली ऑब्जेक्टिव है फेज टू में आपको सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है सो so, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है नंबर वन आपके पास डी आई आती है डी आई के क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं और साथ ही साथ याद रखना डी आई के क्वेश्चन ना आपके पास सिंपल और मिक्स दोनों मिल जाते हैं यानी आपके पास एक वेरिएबल भी, भी हो सकता है दो वेरिएबल भी हो सकता है और साथ साथ ये फाइव क्वेश्चन का एक सेट आता है तो हो सकता है इसमें दो सेट्स आ जाए हो सकता है इसमें एक सेट आ जाए बट इसके अंदर आइडली पिछले कुछ समय से मिक्स क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं देन सिम्प्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड भी आपके पास फाइव क्वेश्चंस का एक सेट आ जाता है मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन दैट विल बी देयर और ये भी पाँच क्वेश्चंस एक साथ आएंगे थिंक अबाउट दीज एरियाज अगर आप इन डीआई या सिम्प्लीफिकेशन या इन बेसिक वाले के पाँच पाँच क्वेश्चन के सेट्स कंप्लीट कर दो तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा करेक्ट क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा कवर करके चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो चुकी है नंबर टू पेपर में ये एक एक क्वेश्चन नहीं आना इनका इनके पांच पांच क्वेश्चंस आने हैं मतलब आप अपने लिए कम से कम पंद्रह बीस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन सिर्फ इन थोड़े से टॉपिक्स के थ्रू कर सकते हो देन व्हाई टू लीव अबाउट दीज एरिया सबसे पहले फोकस यहीं पर रखो ताकि आपका क्वांट के अंदर आप अपना मैक्सिमम निकाल सको दिस इज अबाउट द क्वांट ठीक है नंबर वन इज डी आई डी आई के अंदर आपके पास पाँच से दस क्वेश्चन गया होंगे बिकॉज सेट आएंगे जब दो सेट आ गए तो आपके पास दस नंबर आ गए अब आपके पास मतलब टेन क्वेश्चन का सेटअप का हो गया और अगर आपका सिंप्लीफिकेशन आता तो फाइव क्वेश्चन का एक सेट और हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी को आपके पास आते हैं फाइव मार्कर मतलब अगर मैं डीआई की बात करूं अगर आप इन तीन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो थिंक अबाउट इट अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन दे आर इन योर हैंड कंप्लीटली बिकॉज अल्टीमेटली आप पांच पांच वाले सेट वाले जो है क्वेश्चन उनकी सबकी प्रैक्टिस प्रॉपरली कर चुके हो साथ ही साथ ये तो आपके मेन थे जो सेट्स में आते हैं बट ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है स्पीड डिस्टेंस, टाइम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया मैंसुरेशन हो गया जिसमें आपके पास टू डी प्लस थ्री डी दोनों आपको यहाँ मिल जाते हैं साथ ही साथ आपके पास आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज नंबर सीरीज़ अब ये वाले जो है इनका एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन ही आता होता है प्रॉफिट एंड लॉस आइडली पेपर में आपको दिखेगा स्पीड डिस्टेंस टाइम आपके अपस्ट्रीम स्ट्रीम डाउन और वो जो आपके इवन uh, स्पीड के और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं तो वो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके वन वन मार्क्स में आ जाते हैं मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आएगा सिंगल क्वेश्चन मतलब मार्किंग स्कीम को हम साइड पर रखते हुए चलते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को देख रहे हैं भाई कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं बेकस सबसे पहली चीज़ ये कि पेपर में कितने क्वेश्चन मैं एक्यूरेटली अटैप्ट कर सकती हूँ राइट सो स्पीड डिस्टेंस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस मेंसुरेशन, देन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड नंबर सीरीज ये सारे अपने पास यहाँ करना है एक एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसको सोच के चलना है और ये मेन जो है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखोगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर पाओगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज एरियाज ठीक है ये था हमारा क्वान्ट अब क्वान्ट के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर एरियाज एज वेल अब हम चलते हैं किसकी तरफ रीजनिंग की तरफ क्वान्ट थर्टी मार्क्स का है बट रीजनिंग कितने मार्क्स का है रीजनिंग इज ऑफ सिक्सटी मार्क्स अब ये तो आपका डिसीजन मेकर बन सकता है कि आप फेज़ टू में पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, ठीक है तो ये कैसे एक पर्टिकुलर एरिया होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है

आपके पास कितने क्वेश्चंस आ गए टेन क्वेश्चंस यहीं से आ गए इन का भी आपके पास फाइव का सेट आ जाता है ब्लड रिलेशन में भी आपका कई बार फाइव का सेट आ जाता है इनके सेट क्या आ जाते हैं यानी सेट के हिसाब से चलोगे तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो यू कैन कवर ओवर फाइव क्वेश्चन साथ ही साथ आपके पास डायरेक्शन सेंस का भी आपके पास एक फाइव मार्कर क्वेश्चन रहता है देन आपके Uh, जो फाइव क्वेश्चंस का सेट रहता है मशीन इनपुट आउटपुट में भी आपके पास वैसा ही है रैंकिंग एंड ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके पास फाइव क्वेश्चंस का सेट रहता है ये रीजनिंग के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से आपके पास ये नहीं कि इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं इंडिविजुअल तो आपका एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं लेकिन इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लिया तो आप फाइव फाइव के सेट में आने वाले जो क्वेश्चन है उनको टारगेट कर रहे हो मतलब आप पढ़ तो एक टॉपिक रहे हो लेकिन एक टॉपिक से आप पांच क्वेश्चन एक साथ कर पाओगे राइट right. साथ, साथ को बस कोडिंग डी कोडिंग का टॉपिक है इसके अंदर कोडिंग डी कोडिंग के अंदर भी आपके पास क्या होता है कि एक सेट के फॉर्म में आ जाता है तो अगेन यहाँ पर आपके पास फाइव मार्कर जो फाइव क्वेश्चन के सेट है वो कितने सारे अवेलेबल है तो ऐसी चीजों को बड़े आराम से तसल्ली से आपको पढ़ना जरूर चाहिए ताकि आप अपनी क्वांट को सॉर्ट रख सको आप अपनी रीजनिंग को सॉर्ट रख सको बिकॉज क्वांट के अंदर 30 नंबर आते हैं रीजनिंग के पास आप के पास आपके 60 मार्क्स का पेपर है तो मतलब वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगर क्वांट एक डिसेंट स्कोर के साथ उसको निकाल लो और रीजनिंग के अंदर आप मैक्सिमम नंबर कमा लो तो आपके लिए फेज वन इज नॉट समथिंग विच इज अनेबल राइट नाव लेट्स इंग्लिश इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर फाइव आपके पास क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं और यू ऑल्सो हैव अ क्लोज टेस्ट देर जिसके ऊपर आपके पास फाइव क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं हो सकता है इनमें से एक हो ठीक है आइडली या तो कॉम्प्रीहेंशन होगा या आपके पास क्लोज टेस्ट होगा साथ साथ एरर डिटेक्शन का जो एरिया होता है ये थोड़ा सा ना इसमें स्कोर बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है बट इसमें आपके पास फाइव क्वेश्चन के सेट में ही आते हैं पैरा जंबल्स का भी फाइव क्वेश्चन का सेट आता है मतलब अभी मैं जो आपको बता रही हूँ इन सबके आइडली जो होते हैं वो फाइव फाइव क्वेश्चन के सेट आते हैं लेकिन ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए या फिर एक्टिव हो गए यार आपके जो डिफरेंट तरह के वर्ड्स वाले चीज़ें हो गई ये सब आपको ना वन वन ये वन वन क्वेश्चंस के हिसाब से लेकिन ये जो पहले एक दो तीन चार पाँच अगर ये पांच टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर किए हैं आर यू आर मेकिंग अराउंड फाइव फाइव क्वेश्चंस के सेट सीधा आपके पास तो पेपर में दिखते हैं क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहशन में से कोई एक और बाकी सब आपको कवर करके चलने हैं प्रिपोजिशन कैन भी दे तो ये छोटे छोटे ऐसा नहीं कि ये बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट इनके अंदर से सीधा फाइव का सेट आ जाएगा थर्टी मार्क्स के आपके पास इंग्लिश है जिसमें आप अपना मैक्सिमम स्कोर निकाल सकते हो अगर आपने सलीके से अपना पेपर अटैम्प्ट किया है तो इट्स मोर अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चन एंड योर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बिकॉज

मतलब यहाँ पे जो पढ़ोगे वो आगे भी काम आएगा ही ठीक है सो ये आपको इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन अगेन ये कितने मार्क्स की आती है इंग्लिश आपके पास आती है थर्टी मार्क्स की ना ओवन वी टॉक अबाउट इंग्लिश चलो अब आगे देखें लास्ट जो पेपर के अंदर आपका सबसे ज़्यादा स्कोर देने वाला एरिया है दैट इज योर जनरल अवेयरनेस वन वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस पेपर के अंदर आपके पास टेन टू फिफ्टी मार्क्स के जो होते हैं ना वो आपके पास टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का ही बहुत कुछ मिल जाएगा सोचिए कितना ज़्यादा नंबर आप कमा सकते हो अगर आपने इसे कवर किया और साथ साथ ये आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ के अंदर आपको फेज टू में भी जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगा पिछली बार आइडली क्या पिछली बार भी आपको हर बार आपको ये मिलेगा ही कि सर्वे इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन आ जाते हैं तीन से पाँच क्वेश्चन वहाँ दिख जाएंगे बजट बेस्ड क्वेश्चन दिख जाते हैं कोई स्पेसिफिक लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई होती हैं उनके बेस्ड काफ़ी ज़्यादा आपके पास क्या होता है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन दिख जाते हैं और एक दो नहीं दिखते ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो क्वेश्चन दिखे इन्हीं में से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं साथ ही साथ ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस आ जाते हैं इनके ऊपर बेस्ड काफी ज्यादा होते हैं आपके डिफरेंट इनोवेशन इंडेक्स हो गया देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंडेक्सेस हैं कोई भी इंडेक्स तो भी रिसेंटली आए होगा पिछले सिक्स टू एट मंथ्स कोई ये मत सोचना कि सिक्स मंथ्स इज इन नहीं ऐसा नहीं होता सिक्स टू एट मंथ्स तक का आप जो है वो जनरल अवेयरनेस को कवर करते हुए चलिए बिकॉज दैट्स हाउ यू नीड टू लुक फॉरवर्ड वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी इसके लिए छह महीने काफी नहीं होते इट इज एटलीस्ट

साथ साथ आपको क्या करना है अब आपको स्टैटिक जीके पे भी वर्क करना है जैसे आप स्टैटिक जीके में आपके पास इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं जो रिसेंट इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेलिब्रेट होते हैं वो आपको डेज़ पता होने चाहिए इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत आते हैं अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और कोई स्पेसिफिक अगर पर्सनैलिटी अभी न्यूज़ में चल रही थी इन द पास्ट सिक्स तो टू एट मंथ्स उनके बारे में ज़रूर पढ़ के चलिए उनके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि हु रिसीव द अवार्ड किसी की भी रिसेंटली डेथ हुई है उन्होंने उनके मरने के बाद ये पर्टिकुलर चीज़ की गई थी तो उसके ऊपर बेस्ड आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देख सकते हैं या रिसेंटली अगर कोई टूर्नामेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स इस टाइम हो रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको पेपर में दिख सकती है बुक्स और प्लेसेस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर बुक जो रिसेंटली रिलीज हुई है ये किस ऑथर ने बनाई है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यू कैन नॉट जस्ट गो विद द फ्लो कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे ऐसा नहीं करना पेपर के लिए प्रिपरेशन आपको ढंग से उनकी सॉर्टिंग करके रखिए कि क्या-क्या आया है उसके अपने नोट्स बनाइए और उसको बार-बार देखिए बिकॉज़ जीए के लिए प्रिपरेशन करने के लिए यू विल

राइट right? आपका फेज़ वन से फेज टू में पहुंचाने वाले अल्टीमेटली ये बन सकता है वो भी तब अगर आपने इसके क्वेश्चंस को स्मार्टली अटेम्प्ट किए नॉट समथिंग जो बिल्कुल वेगली जा रहे हो स्मार्टली अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास वहाँ बेनिफिट होता है अब यहाँ देखो अगला है डैम्स एंड रिवर्स नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डैम्स एंड रिवर्स इसके अंदर भी अभी रिसेंटली कोई डैम्स है कोई रिवर्स अभी रिसेंटली जिनके साथ कुछ डेवलपमेंट हुई है या फिर इवन स्टैटिक में ही आ जाता है कि ये पर्टिकुलर रिजर्व्स कहाँ हैं इवन रिजर्व्स वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास रहती है कि कोई स्पेसिफिक जानवर के ऊपर भी कुछ हो सकता है कि इज अ पर्टिकुलर एनिमल वो कहाँ कौन से रिजर्व की तरफ है वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिजर्व बेस्ड क्वेश्चन कोई अगर जी आई टैग किया गया है या फिर कोई और टैग जो है या कोई साइट्स को uh, वो इम्पोर्टेंट बनाया गया है तो वो सब कुछ आपको पढ़कर चलना है बिकॉज दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर डेफिनेटली देर इन द एग्जामिनेशन इवन इट वॉज देर इन द प्रीवियस ईयर एज वेल वो एक पैटर्न में चला आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखते ही दिखते हैं तो आपको क्या करना है यू डोंट हैव टू जिस दोनों को जब आप साथ में कंबाइन करते हो तो जाकर आपके पास स्कोपेप होता है कि अच्छा, नहीं, मैंने सब चीजें अच्छे से पढ़ी है ना आई कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन इन बेटर वे तो अगर आप प्रॉपरली प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो इन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफ़िक फोकस रखिएगा ज़रूर इसी से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है कि अगर आपने वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को थोरली कवर किया हुआ है तो द स्कोप इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली राइट तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब चीज़ों पर डेफिनेटली ध्यान रखना जिसकी पर पर्टिकुलर लिस्ट किया मैंने इन चीज़ों को ढंग से कर लिया कि नहीं कर लिया ताकि आपके पास एक सॉटिंग और प्रायरटाइजिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी हो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे अपनी कौन सी चीजें मैंने पहले पढ़नी है और किस चीज को मैंने कवर ही नहीं करना है या किस चीज को मैंने ढंग से इन डेप्थ कवर करना है ब तक आपको इन चीजों का बेनिफिट नहीं होगा सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अब ये तो समझा दिया बट क्या आपकी प्रिपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर आप अभी अपने लिए मटीरियल ढूंढ रहे हो सो दिस इज वेयर आई कैन हेल्प यू आउट वी आर आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो अबाउट अ फ्यू थिंग्स विच इज देयर ऑन आर पोर्टल हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेसिफिक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है द कंप्लीट कोर्स इंक्लूड्स बोथ फेज वन एंड एज वेल एज फेज टू वाई वन पर्टिकुलर कोर्स इज ओनली फॉर फेज वन एंड वन पर्टिकुलर कोर्स इज अवेलेबल फॉर फेज टू सेपरेट

राइट right? तो चलो एक बार मैं आपको हमारा पोर्टल दिखा देती हूँ यू जस्ट हैव टू गो टू द एरिया ऑफ अभिपीडिया डॉट अभिमन्यू डॉट कॉम वहाँ पर आप जाएंगे दिस इज़ द एरिया ऑफ़ चूज़ एग्ज़ाम चूज़ एग्जाम पे आप क्लिक करोगे यू विल गो टू द एरिया ऑफ़ यहाँ नीचे आइए तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़ आपके पास आ गई रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के अंदर यू विल फाइंड आर ग्रेड भी है आर बी ग्रेड बी कब जैसे ही पोर्टल खोलेंगे तो आपके पास ये दिखेगा आर बी ग्रेड बी की आपकी पूरी प्रिपरेशन का सिनारियो हमारे इस एरिया के अंदर आपको आर बी ग्रेड बी की एग्जाम की पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी किसकी कब कौन सी क्लास होती है अपकमिंग क्लासेस का सारा आपके पास दिखता है इधर देन <coughs> आपके पास नेक्स्ट क्या जाता है हमारे कंप्लीट कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है यानी ये रहा हमारे पास कंप्लीट कोर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास बोथ फेज़ वन एंड फेज टू यहाँ पर है सिर्फ फेज़ टू लेना चाहते हैं या फिर सिर्फ फेज़ वन लेना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स के लिए आपके पास क्या अवेलेबल है आप यहाँ पर अपना ये आपको यहाँ पर ट्रायल देखना होगा आपको ट्रायल आपका शुरू हो जाए तो उसके बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ देर यू गेट आपके पास अपकमिंग वीडियोज का ऑप्शन दिखता है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या अभी कौन सी क्लासेस हो चुके हैं फॉर एग्जाम्पल ई ए एस आई की देख लें फॉर फेज टू यहाँ पर साइड पर आपको दिख रहा है फेज वन की देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास फेज वन लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एल आर की आपको मिल जाएगी इंग्लिश की आपको मिल जाएगी करंट जीकेट जी के सब कुछ आपके पास अलग अलग सॉर्टेड वे में यहाँ पर अवेलेबल है सो so आपको क्या करना होगा यहाँ पर जाकर देख सकते हो कि हर क्लास के साथ में आपके पास पी डी एफ भी अवेलेबल है पहले आपके पास कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस भी है एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस भी है टेस्ट भी आपको हर एक साथ में मिल जाते हैं उसके अलावा आपको हर क्लास के साथ में उसकी अटैच्ड पीडीएफ मिलती है बट यहाँ पर हम रुके नहीं उसके अलावा हम आपको वेब नोट भी दे रहे हैं मतलब एक्सप्लेनेटरी नोट्स इनमें आप उन चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ सकते हो तो एक तरह से आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव वे मिल गया वी हैव गिवन यू एवरी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर ग्रेड बी थॉरली देन दिस इज द प्लेस वेर यूल फाइंड एवरी राइट right? सो so, अगर आप पीछे आते हो लेट्स मुक फॉरवर्ड टू इट अगर आप सिर्फ फेज वन परचेज करना चाहते हो आपको फेज वन यूज करना है परस्यू करना है आपको, आपको सिर्फ हमारे पोर्टल के ऊपर तो यहाँ पर आपके पास स्टार्ट योर सेवन डे ट्रायल का ऑप्शन है क्लिक ऑन इट एंड द ट्रायल विल स्टार्ट राइट अवेट राइट right. सो so, वो आपके पास अवेलेबल होगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्रायल में तो आप यहां पर दिए गए आप यहाँ पर या तो अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए व्हील कॉल यू और यहाँ पर आपके पास कॉल नाउ के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल दिखती है सो दिस इज वेर यू कैन गो हैड एंड लुक फॉरवर्ड टू इट उसके अलावा फेज वन की कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं और कौन कौन सी क्लासेस अभी आने वाली है वो आपको यहाँ दिख जाती है एंड दिस इज वेर यू विल फाइंड ऑल द पर्टिकुलर टॉपिक्स रिलेटेड टू द फेज वन हर एक के साथ में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है अलॉन्ग विद डैट आपको इसकी टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है यानी टेस्ट ज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगी फॉर योर प्रिपरेशन दैट मीन्स आपके पास अ गुड अमाउंट ऑफ टेस्ट आपके पास गुड अमाउंट ऑफ मटीरियल और आपके पास एक प्रॉपर फैकल्टी की एक्सपर्ट गाइडेंस ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन देन डोंट बिकम सम वन जो uh, सोच रहा है कि पता नहीं देख लेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है कैसे नहीं करनी है यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज देन वर्क अकॉर्डिंगली सो दैट बाय द टाइम यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन आपकी सिर्फ प्रेपरेशन नहीं आपके रिविजन भी कम्प्लीट हो चुकी हो और आप शोरिटी के साथ उस पेपर में जा रहे हो दिस इज़ वेर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अवर कोर्सेज एंड यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली सो इफ़ यू हैव एंड रिव्यूड और सेवन डे ट्रायल येट तो अभी जाकर अपना ये सेवन डे ट्रायल खोलिए और इसको देखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन ना कि सिर्फ स्ट्रेंथन अप हो इट इज दैट स्ट्रेंथन अप दट यू नो कि आप पेपर में क्या करने वाले हो तो उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है इट इज़ मस्ट उसके बिना काम नहीं चलता तो धीरे 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 करके अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करते चलिए और कंसिस्टेंसी इस तक की दैट मीन्स अगर आप जितनी जल्दी शुरू करोगे और जितना प्रॉपर्ली अपने आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर से डिवाइड करके प्रिपरेशन को फॉर्मेट में डालकर करोगे उतना आपको ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है सो विन यर लुकिंग फॉर्वर्ड टू दिस एग्जामिनेशन काइंडली गो हैड थ्रू आर सेवन डे ट्रायल द सेवन डे ट्रायल इज़ प्रिपेयर ओनली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली पढ़ने का सोच रहे हैं उनको उसका बहुत बेनिफिट होगा कि सात दिन आप लाइव क्लासेस देख सकते हो जो भी चल रही है उन लाइव क्लासेस को देख कर, आप डिटर्मिन कर सकते हो यू कैन यू कैन डिसाइड आपको उसको फर्दर पढ़ना है आप ये देख सकते हो कि आपने जो पढ़ा हुआ ये, जो आपको पढ़ना है वो आपको पोर्टल पर मिल रहा है नहीं। so, जरूर और पढ़िए राइट right? so, मैं आपको मिलती रहूंगी हमारी क्लासेज में सो काइंडली बी देर इन आर रेगुलर क्लासेज सो देट वी कैन स्टडी प्रॉपरली थैंक यू गाइज